यानी वृषभ राशि स्वागत है आपका हैप्पी हाई टारो में यह है आपकी दिसंबर मंथली रीडिंग जिसे आप अपने साइन तीनों के लिए ही देख सकते हैं यानी कि आप इसको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपका साइन निकलता है वो या राशि के हिसाब से जो साइन निकलता है दोनों के लिए ही आप ये रीडिंग देख सकते हैं अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे हैप्पी हाई टारो एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर मेल भेज सकते हैं उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे पहले हम आपके टारो कार्ड देखेंगे उसके बाद आपके ऑरिकल कार्ड देखेंगे और्राग? स्टार्ट करते हैं जानने से कि दिसंबर में आपका करियर कैसा रहने वाला है तो उसके लिए हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पेज ऑफ स्वाद और टेन ऑफ स्वाद इन रिवर्स वाव तो करियर से रिलेटेड आप बहुत खराब वक्त से गुजरे हैं हाल ही में जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए आ, किसी ने आपको आपकी नौकरी में या बिजनेस में धोखा दिया था बहुत ज्यादा हर्ट आपने महसूस की है बीते कुछ महीनों में थैंकफुली डिसम्बर में आप उन एनर्जी से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं एक ब्रेक थ्रू होने वाला है आपके करियर में जैसे कि पेज ऑफ स्वर्ड इंडिकेट कर रहा है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बताती है कि आप अगर अभी फाइनेंशली uh, आप बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है पैसों की प्रॉब्लम चल रही है करियर में प्रॉब्लम चल रही है नौकरी नहीं है नौकरी से निकल गए क्यों क्योंकि इससे पहले वाली नौकरी में लोग आपके खिलाफ हो गए थे धोखे आपको दे दिए थे वो सारी चीज अब यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है डिसम्बर में उस हार्शनेस से उस दुख से उस दर्द से आप खुद को बाहर निकाल कर पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है जैसे कि मैंने बोला था आपकी पैसों की प्रॉब्लम खत्म होने वाली है आपके पास एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है अगर आप ऑलरेडी नौकरी में चल रहे हैं नौकरी में डेफिनेटली परेशानियां थी लेकिन आपने रिजाइन नहीं किया तो बहुत अच्छा किया रिजाइन ना करके क्योंकि अब आप उसमें आपको प्रमोशन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है बट डेफिनेटली टेन ऑफ इन रिवर्स ये इंडिकेट कर रहा है with the page of swords, कि करियर में अभी तक आपकी जो भी दिक्कतें चली आ रही थी वो सारी खत्म होने वाली है जिसके चलते आपके ये जो भी दुख दर्द और स्ट्रेस एंजाइटी टेंशन थे उन सब से आप बाहर निकलेंगे ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे स्ट्रेस फ्री होते हुए करियर को लेकर नजर आ रहे हैं फैंटास्टिक। अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है उसके लिए हमारे पास है सेवन ऑफ स्वास्थ नाइट ऑफ कप्स और सिक्स ऑफ़ इंटरेस्टिंग तो टॉरस कोई ऐसा इंसान है जो आपसे डिस्टेंस पर रहता है पास्ट में आप दोनों के बीच में थोड़ी अनबन हुई झगड़े हुए बातचीत बंद हो गई या जो कुछ भी आप लोगों के बीच में जिस भी हद तक चीजें बिगड़ी हो फिलहाल ये जो कोई भी इंसान है ये कोई वाटर साइन हो सकते हैं कैंसर पाइसिस कॉपी हो जो आपसे एज में कम हो या कोई आ, एरी सॉरी जमना लिब्रा क्वेरिस हो सकते हैं बट साइंस डोंट मैटर दैट मच तो मेन बात ये है कि ये इंसान चीजें सुधारना चाह रहा है आपके साथ में और इस चीज की तरफ वो प्रयास करेंगे दिसंबर के महीने में वो अपनी तरफ से आपको अप्रोच करने वाले हैं लेकिन ऑफ इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त या जब तक वो आपको अप्रोच नहीं कर लेते तब तक वो उनकी हरकतें उनकी बातें उनका सोशल मीडिया या कहीं से भी आपको इस चीज की भनक तक नहीं लगेगी कि बिहाइंड द सीन्स वो इस चीज के ऊपर उनका ध्यान है या वो ये चीज सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं आपके पास वापस आना चाह रहे हैं सेवन ऑफ सॉट्स इंडिकेट कर रहा है कि ये जो इनकी इच्छा है इस इंसान की आपके पास वापस आने की चीजें सुधारने की उसको इन्होंने इतने बढ़िया तरीके से छुपा कर रखा हुआ है कि आप गेस्ट तक नहीं कर सकते उनके बिहेवियर से कि उनकी ड्रीम इस वक्त उनकी इच्छा इस वक्त ये है कि वो आपके पास वापस आए चीजें इम्प्रूव करें अगर आप लोग इस वक्त सिंगल नजर आ रहे हैं तो आपकी लाइफ में भी किसी की अम, एंट्री हो सकती है अगर आप लोग सिंगल अभी हैं बट पास्ट में आप लोगों को किसी ने धोखा दिया था जैसे कि सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है बट इस नए इंसान के आपके लाइफ में आने से आप उस हर्ट को प्रोसेस कर पाएंगे उससे ओवरकम कर ले जाएंगे आप खुद को इस इंसान की मदद से आप हैप्पियर टाइम्स में शिफ्ट करेंगे प्रोग्रेस करेंगे अपनी लव लाइफ में तो दोनों ही चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं जो सिचुएशनशिप में इन्वॉल्व हैं तो वो इंसान आपको अपनी तरफ से अप्रोच करने वाला है बट वो ये चीज ज़ाया नहीं करेगा और अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जिसके सहारे से आप खुद को पास्ट में फेस किए हुए धोखे के दुख से निकाल पाएंगे और राइट अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है तो उसके लिए हमारे पास है क्वीन ऑफ नाइट ऑफ और एट ऑफ कप्स बहुत ज्यादा एक्टिव आप लोग रहने वाले हैं दिसंबर के महीने में बहुत काम आपके पास रहेगा और ऐसा होगा कि बिल्कुल आपके पास फुर्सत नहीं होगी एक पल की चैन की सांस लेने के लिए इतना काम 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 जरूरी नहीं है ऑफिस से रिलेटेड घर पे भी कोई क्या पता घर पे आपकी किसी की शादी हो उससे रिलेटेड बहुत सारे काम है बट आराम आपको बहुत कम मिलता हुआ नजर आ रहा है और इस चीज का गम मनाते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं अम्म um, लेकिन हाँ ये है अगर इतना सारा काम लगा हुआ है तो ऑफकोर्स उसमें खुद के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है अंडरस्टैंड लेकिन एक चीज आप कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट समय से सोने की और समय पर उठने की कोशिश कर सकते हैं और जहां कहीं भी पॉसिबल हो भले ही पांच मिनट दस मिनट लेकिन कुछ वक्त अगर आप आराम के लिए निकाल सके तो जरूर निकालिएगा अदरवाइज आपको थोड़ा पीठ में और पैरों में प्रॉब्लम होती हुई नजर आ रही है यहां पे बट नथिंग टू सीरियस अब आपके ऑरिकल कार्ड देख लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है योर कमिटमेंट इज स्पेशली यहाँ पर जो ये मून जिस तरीके से बना हुआ है ये मुझे बता रहा है कि आप में से जो लोग इस सिचुएशनशिप में है इस इंसान के साथ में तो यहाँ पर ये एक टेस्ट चल रहा है आपका और इस इंसान के इस कनेक्शन का कि क्या तुम इस इंसान के साथ तुम्हारा प्यार और तुम्हारी जो फेथफुलनेस है वो तभी भी बरकरार रहेगी जब तुम्हें अंदाजा ना होगी आगे क्या होने वाला है या फिर तुम गिव अप कर दोगे उस चीज का टेस्ट यहाँ पर दिसंबर में थोड़ा नजर आएगा ऑल्सो थोड़ा चैलेंजिंग आपके लिए आपके करियर में चीजें हो सकती हैं चली आ रही थी बट लाइक आई सेड यहाँ पर भी ब्रेक थ्रू होता हुआ नजर आ रहा है आपका कमिटमेंट टेस्ट किया गया था कि आप के अंदर सोल्जर स्पिरिट है या आपके अंदर लूजर स्पिरिट है आपने प्रूव कर दिया कि आप दुख दर्द झेलेंगे लेकिन आप आगे बढ़ते चलेंगे और अब अब उस चीज का रिवॉर्ड आपको मिलेगा उसके बाद हमारे पास है है वॉच योर थॉट्स कार्ड कहता कि दिसंबर भर बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ उन चीजों के ऊपर फोकस करिए जो आप चाहते हैं भले ही वो करियर से रिलेटेड हो नौ या फिर वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो जो चीज आपको नहीं पसंद है जिस चीज का आपको डर है उन एनर्जीज़ के बारे में उन चीजों के बारे में सोचकर वहां पर अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा उस नेगेटिव एनर्जी को फीड मत करिएगा सिर्फ उस पर फोकस करिएगा जो आप चाहते हैं उसके बाद हमारे पास है डिवाइन हीलिंग वंडरफुल जैसे कि यहाँ पे ऑफ स्वर्ट्स इन रिवर्स ने भी इंडिकेट किया था कि आपने अभी तक जो भी झेला है उससे अब आप उबरने वाले हैं एक मैसेज जो यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए मिल रहा है वो ये है कि कभी कभी क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पास काम बहुत रहने वाला है भागदौड़ रहने वाली है इसलिए बैटरी रिचार्ज करना भी अपनी बहुत जरूरी है इसीलिए थोड़ा वक्त अपने लिए निकालिएगा थोड़ा रिजुविनेशन करने के लिए थोड़ा अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए ताकि दोबारा आप काम में लग सके और आखिरी कार्ड आपके लिए है मिस्ट्री अगेन ये कार्ड भी यहाँ पर दो मैसेजेस दे रहा है पहला तो ये कि अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा बिजनेस का आइडिया है जो अभी आपने ज्यादा किसी से डिस्कस नहीं किया है तो आप उसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करिए उससे आपको बहुत मदद मिलेगी दूसरी चीज ये कि आपको अभी बस आगे बढ़ते रहना है आपका जो पर्सन है आपकी ओर क्या एक्शन लेने वाला है वो चीज अभी स्पिरिट ने आपसे छुपा कर रखी हुई है और यही अभी आपका टेस्ट चल रहा है कि आपको हम बता नहीं रहे हैं कि ये इंसान अब आगे क्या करने वाला है तो देखते हैं कि आप हार मान जाते हो इस कनेक्शन पे गिवअप कर देते हो या आप फिर भी डटे रहते हो वही चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है बट अच्छी बात ये है कि इस मिस्ट्री के अंत में आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चीज इंतजार कर रही है जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपको आगे बढ़ना है और अंधेरे के बाद में क्योंकि अंधेरे में अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है आगे क्या है बट आगे कोई अपने हाथ में ऑफर लेकर ही आपका वेट कर रहा है और टॉरस आई होप आपका दिसंबर का महीना बहुत अच्छा बीते आपसे अगली बार मिलती हूँ बाय